Hello everyone, welcome to my channel Exploring Canada in India. I hope you all are doing really really good. So friends, again this is an onset of long weekend, and on 12th of October 2020 is Thanksgiving Day, so hence we have decided to explore some beautiful lake today, and we are here at Sylvan Lake. I hope you would enjoy exploring Sylvan Lake, and stay tuned to my vlog. I hope you would enjoy this place. Friends, ये जो Sylvan Lake है हमारे घर से Edmonton से 1 hour 15 minutes का रास्ता है. I hope आपको मज़ा आने वाला है आज इस Sylvan Lake को explore करने में. पूरा का पूरा tourist area है friends, and अभी मैं आपको बढ़िया बढ़िया जगहें दिखाऊंगी यहाँ पे. इतनी beautiful है, you would enjoy it. सो फ्रेंड्स, बिफोर एक्सप्लोरिंग Sylvan Lake, मैं आपको छोटी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी Sylvan Lake के बारे में. फ्रेंड्स, जो Sylvan Lake है एक टाउन है फ्रेंड्स सेंट्रल अल्बर्टा कनाडा के अंदर, जो कि लोकेटेड है 25 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ रेड डियर. रेड डियर फ्रेंड्स एक काउंटी है अल्बर्टा के अंदर, जहाँ पर ये फ्रेश वाटर लेक प्रजेंट है. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हाईवे है फ्रेंड्स. इस हाईवे का नाम है क्वीन एलिजाबेथ 2 हाईवे. मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि छोटे छोटे इंटरवल्स पे फ्रेंड्स साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं क्वीन एलिजाबेथ 2 के नाम से, आप देख सकते हैं. तो ये पूरा का पूरा जो हाईवे आप देख रहे हैं ये क्वीन एलिजाबेथ 2 हाईवे है. एंड नाउ वी आर फ्रेंड्स फाइनली एंटरिंग इन टू द रेड डियर काउंटी. फ्रेंड्स देखिए, ऑन द वे हमारे को कितना बड़ा ट्रेलर मिला है फ्रेंड्स. इसमें कितनी सारी कार्स हैं फ्रेंड्स, आप भी देखिए किस तरीके से फ्रेंड्स कार्स को फ्रेंड्स प्लेस कर रखा है इस ट्रेलर पे. इट्स अमेजिंग. सो फ्रेंड्स, इस हाईवे के अलॉन्ग में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारी होर्डिंग्स लगी होती हैं जनरली हमारे बैक होम कंट्री इंडिया में, रोड साइड्स पे साइंस लगे होते हैं. बट यहाँ पे फ्रेंड्स होर्डिंग्स के लिए बड़े बड़े ट्रक्स के बॉक्सेस होते हैं फ्रेंड्स, जो लोड बॉक्सेस होते हैं उनको प्लेस कर रखा होता है. आप जैसे कि देख सकते हैं, ये देखिए. सो फ्रेंड्स, इन बॉक्सेस पे एडवर्टाइजमेंट्स लगे होते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं. तो ये बेसिकली होर्डिंग साइंस होते हैं जो अलॉन्ग साइड ऑफ हाईवे प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लोड बॉक्सेस ऑफ द ट्रक्स. सो फ्रेंड्स, व्हाइल एंटरिंग द रेड डियर काउंटी आप हेलीपैड भी नोटिस करेंगे फ्रेंड्स. देखिए कितने सारे हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं फ्रेंड्स. तो चलिए फ्रेंड्स, आप एक्सप्लोर करते हैं Sylvan Lake. देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, फ्रेश वाटर लेक है फ्रेंड्स ये. और ये जो वाटर का कलर है कम्प्लीटली ब्लू है, और जो कि कलर ऑफ द स्काई है उसको ही बिल्कुल ही रेसिप्रोकेट कर रहा है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स देखिए फॉल की लीव्स का कलर कितना ही गोल्डन एंड ब्राइट है. एंड ये डक्स हैं, सीगल्स हैं फ्रेंड्स लेक साइड शोर पे. Rising, and this logo of Sylvan Lake, it's so amazing as you can see from here. सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये फ्रेश वाटर लेक है फ्रेंड्स. तो यहाँ पे मेंशनड है फ्रेंड कि आप कौन कौन सी फिशेस की आप फिशिंग कर सकते हैं, प्लस ये कितने टाइम के लिए फ्रेंड्स ये ओपन होता है फिशिंग एरिया, तो उसी हिसाब से आप फिशिंग वगैरह कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, लेट मी शेयर विद यू ऑल वन मोर इंटरेस्टिंग स्पॉट हियर इन Sylvan Lake इज दिस फायर पिट, जो कि फ्रेंड्स विंटर के टाइम पे जलाई जाती है ताकि कॉम्बैट कर सके कोल्ड वेव से. सो फ्रेंड्स देखिए, ये पूरा लेक साइड शोर है फ्रेंड्स, और कितना क्लियर वाटर है. आप नीचे के पेबल्स तक देख सकते हैं वाटर के अंदर, और क्लियर वाटर है फ्रेंड्स. एक्चुअली दिस लेक इज मेनली प्रोमिनेंट फॉर फ्रेश वाटर फिशिंग, तो इसलिए आप देख सकते हैं कितनी क्लियर लेक है. एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो फ्रेंड्स जो वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, लाइक मोटर बोट, कायाकिंग, स्टीम बोट्स वगैरह खूब चलती हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इस लेक पे. एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, और वेदर तो आप देख ही सकते हैं कितना ही सुहावना लग रहा होगा आपको. और ये बिल्कुल ही एंड टाइम चल रहा है फ्रेंड्स फॉल सीजन का,
एंड ये तो आप देख सकते हैं, ये तो एवरग्रीन ट्रीज हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर सेम रहते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टीम बोट वगैरह, तो आप देख सकते हैं कि स्टीम बोट वगैरह चल रही है, मोटर बोट्स खूब लोग प्रैक्टिस करते हैं। बट ये मोस्टली यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होती है समर टाइम पे, क्योंकि ये फॉल का टाइम चल रहा है तो इसलिए आप इतने सारे लोग नहीं देख सकते हैं। बट फ्रेंड्स चलिए आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ फ्रेंड्स, कि यहाँ पे डाइविंग प्रोहिबिटेड है इस वाले एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे लोग डाइविंग वगैरह भी करते हैं डायरेक्टली इनटू द फ्रेश वाटर, तो यहाँ पे प्रोहिबिट के लिए पिंक साइंस लगा रखे हैं ताकि यहाँ पे डायरेक्टली लोग यहाँ पे स्विमिंग वगैरह ना कर सकें। सो फ्रेंड्स फॉल सीजन में ट्रीज़ की लीव्स का कलर देखिए कितना ही ब्राइट लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिल्वन लेक एक टाइप ऑफ बीच है फ्रेंड्स, तो ये जो आप सामने की तरफ एरिया देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सैंड है। यहाँ पे फ्रेंड्स समर टाइम पे लोग सन बाथ वगैरह लेते हैं और ये फुल ही पैक्ड एरिया होता है और यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। सो फ्रेंड्स ये जो सिल्वन लेक है बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पे डॉकयार्ड भी बना हुआ है जहाँ पे मोटर बोट्स वगैरह भी चलती हैं। एंड तो आपको एक लाइट हाउस भी दिखाती हूँ, वहाँ पे सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि वो लाइट हाउस है, आई गेस आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं दिखाती हूँ एक मिनट। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सामने वो लाइट हाउस है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये लेक साइड फ्रेंड रेस्टोरेंट्स हैं एंड यहाँ पे काफ़ी सारे बाइकर्स वगैरह फ्रेंड्स स्टॉप लेते हैं क्योंकि बहुत लंबे लंबे जर्नी करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस रहता है फ्रेंड्स जहाँ पे आप लंच वगैरह डिनर वगैरह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये डस्टबिन्स हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो आप ब्राउन कलर का डस्टबिन देख रहे हैं ये पेट्स के लिटर के लिए है फ्रेंड्स, ताकि आप अपने जो पेट्स का जो भी लिटर होगा फ्रेंड्स उसमें आप गार्बेज कर सकें, एंड दीज ग्रीन वंस आर फॉर योर रिसाइकल आइटम्स। सो फ्रेंड्स ऑन द वे हमने ये रेड चेरी का फ्रेंड्स एक ट्री देखा, देखिए कितनी सारी चेरीज गिरी हुई हैं इस ट्री पे और ये पूरा का पूरा भरा पड़ा है चेरीज से एंड बहुत ही प्रिटी लग रहा है, देखिए कितनी सारी चेरीज, ओह माय गॉड बहुत सारी हैं। से वॉशरूम एरिया है फ्रेंड्स लेक साइड शोर पे एंड राइट साइड पार्किंग लॉट है। सो फ्रेंड्स एज यू कैन सी ये फ्लैग्स ऑफ रिमेम्बरेंस है फ्रेंड्स कनाडा के, और बहुत सारे फ्रेंड्स ये फ्लैग्स लगे हुए हैं क्यू में एंड सामने ही बच्चों के खेलने के लिए स्विंग्स लगा रखे हैं। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ बारबेक्यू के लिए भी एक स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना लंच वगैरह बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं। देखिए लोग कुछ इंजॉय भी कर रहे हैं, बट ये विंटर टाइम अप्रोच कर रहा है तो इतने ज़्यादा आप लोग नहीं देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टाउन में बाइकर्स वगैरह लोग भी खूब ज़्यादा स्टॉप्स लेते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कितने सारे बाइकर्स हैं फ्रेंड्स। हमने ये छोटा सा टाउन एक्सप्लोर करा थोड़ा सा अपनी कार में ही बैठ के, तो देखिए आप भी मज़ा लीजिए इस टाउन का, इतना छोटा सा टाउन है बट बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन्ड है फ्रेंड्स। एंड ये देखिए लाइट हाउस कितने नज़दीक से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स आई होप यू ऑल माइट हैव एंजॉयड एक्सप्लोरिंग सिल्वन लेक टुडे इन माई दिस व्लॉग। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ हिट कीजिएगा लाइक बटन, शेयर कीजिए मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स लास्ट व्लॉग में फ्रेंड्स मैंने अपना किचन टूर शेयर किया था अपने घर का, अगर आप लोगों ने उस व्लॉग को चेकआउट नहीं किया है तो मैं फ्रेंड्स लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम पेज हैंडल विल बी ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन के लिए
एंड मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, सी यू, गुड बाय।